सेवा पर्व धर्म की भावना के साथ सेवा सप्ताह की द्वितीय दिवस पर लॉयंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों की मूर्तियों पर लॉयंस सदस्यों ने माल्यार्पण किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उपस्थित सदस्यों का मुंह मीठा कराया। माल्यार्पण के पश्चात क्लॉथ मार्केट पुलगांव चौक के KBM डेवलपर्स एवं स्वर्गीय कुसुम देवी देशलहरा की स्मृति के सहयोग से लॉयंस क्लब दुर्ग सिटी के सदस्यों ने करीब 100 से अधिक औषधीय एवं फूलदार पौधों का रोपण किया। सेवा परमो धर्म की भावना के साथ सेवा सप्ताह के द्वितीय दिन लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हुए एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों की मूर्तियों पर लायंस सदस्यों ने माल्यार्पण किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उपस्थित सदस्यों का मुंह मीठा करवाया। माल्यार्पण के पश्चात क्लॉथ मार्केट पुलगांव में KBM डेवलपर्स एवं स्वर्गीय कुसुम देवी देशलहरा की स्मृति के सहयोग से लॉयंस क्लब दुर्ग सिटी के सदस्यों ने करीब 100 से अधिक औषधि एवं फलदार पेड़ों का रोपण किया। इस जगह 250 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत जल्द ही बाकी पौधे भी लगा दिए जाएंगे। यहाँ वृक्षारोपण के पश्चात MJF लॉयन ब्रिज मोहन खंडेलवाल ने उपस्थित सभी सदस्यों को स्वल्पाहार करवाया। बता दें, सेवा सप्ताह संयोजक लॉयन हरमी सिंह भाटिया एवं उप अध्यक्ष लॉयन सुमन पांडे ने देशलहरा परिवार इसके साथ ही KBM डेवलपर्स के सभी सदस्यों का स्वागत सम्मान भी विधिवत किया। कार्यक्रम प्रभारी लॉयन कैलाश जैन बरमीचा ने सभी का आभार भी जताया। इस मौके पर MJF लॉयन ब्रिजमोहन खंडेलवाल, लॉयन ज्ञानचंद पाटनी, लॉयन SPS दुलई, PMJF लॉयन सतीश चंद सुराना, लॉयन अमर सिंह गुप्ता, लॉयन हरमीत सिंह भाटिया, लॉयन शंकरलाल अग्रवाल, MJF लॉयन डॉक्टर रौनक जमान, लॉयन अनीता तिवारी, लॉयन सुमन पांडे, लॉयन रश्मि अग्रवाल, लॉयन सुनील अग्रवाल, लॉयन कैलाश जैन बरमेचा सहित महमूद हिरानी, KBM डेवलपर्स के श्री किशोर जी कोठारी और अनिल जी देशलहरा और धनराज जी गोलछा, अशोक पारख, राजेंद्र जी बाफना, सतीश जी श्रीमाल, महेश जी पारख सहित होलसेल मार्केट के अन्य व्यापारी और बंधु शामिल रहे। हर सप्ताह लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर भव्यता से किया जा रहा है। शामिल लोगों ने आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी। एक स्थायी काम हो गया है, लोगों को भविष्य में वृक्षारोपण के द्वारा शांति मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी और ये KBM डेवलपर्स हम लोग के फर्म के द्वारा इतना अच्छा काम और लायंस क्लब और दुर्ग सिटी से हम लोग के सहयोग से किया है और आगे भविष्य में भी इस टाइप के सामाजिक काम करने की इच्छा रखते हैं। योगी होगा कि जिस हिसाब से ओजोन लेयर फट रही है उसके हिसाब से जो वृहद वृक्षारोपण का आयोजन करने का जो विचार किया KBM डेवलपर एवं कुसुम देवी देशलहरा जी की स्मृति में जो आयोजन का कार्य लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी को सौंपा गया है, ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी, KBM डेवलपर एवं कुसुम देवी देशलहरा जी के आभारी हैं जो इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमें याद किया और इसको मूल रूप प्रदान किया। धन्यवाद। कुसुम देशलहरा जी की स्मृति में देशलहरा परिवार के द्वारा लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी के सहयोग से लगभग 250 पौधे रोपने का है प्रावधान। आज 100 पौधे का रोपण किया गया है। आज 100 पौधों के द्वारा शुभारंभ किया गया है। मैं देशलहरा परिवार से पेड़ लगाए गए हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें औषधीय पौधे भी हैं, नीम के पौधे भी हैं, पेड़ है बोलो ना, नीम के पेड़ भी हैं। मैं देशलहरा परिवार को का आभार मानती हूँ कि ऐसे सेवा कार्य स्मृति में करते रहें जो कि स्थायी हो, उनके इसके रूप में स्मृति के रूप में स्थायी कार्यक्रम हो।
आज इस कपड़ा मार्केट में 250 पौधे का रोपण करने जा। बहरहाल पौधारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सभी ने जागरूकता पूर्वक हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।